सावन में सोमवती अमावस्या व्रत का खास महत्व होता है। मानसिक परेशानी या चंद्रमा कमजोर हो तो इस दिन विशेष लाभ मिलता है। 20 साल बाद सोमवती और हरियाली अमावस्या का खास योग भी बन रहा है। इस बार सोमवती अमावस्या का व्रत सोमवार 20 जुलाई को रखा जा रहा है। पोष मास में कुल नक्षत्र के कारण दोषों से ज्यादा आसानी से मुक्ति मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन कौन कौन से कार्य वर्जित माने जाते हैं। पहला, अमावस्या पर किसी भी इंसान को शमशान घाट या कब्रिस्तान में या उसके आसपास नहीं घूमना चाहिए। इस समय बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं और मानव इन बुरी आत्माओं या सकारात्मक शक्तियों से लड़ने में सक्षम नहीं होता है। दूसरा, ये नकारात्मक शक्तियाँ मानसिक रूप से कमजोर किसी भी व्यक्ति को तुरंत अपने प्रभाव में ले लेती है। पर्याय, जब कोई व्यक्ति इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आता है तो उसका खुद पर काबू नहीं रहता, वो उसके वश में हो जाता है। तीसरा, सोमवती अमावस्या के दिन सुबह देर तक सोते ना रह जाए, जल्दी उठे, स्नान करें और व्रत रखने के बाद पूजा पाठ जरूर करें। चौथा, सोमवती अमावस्या के दिन स्नान का खास महत्व है, इसलिए अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान ना कर पाए तो घर पर जरूर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ देना ना भूलें। पांचवा, अमावस्या पर संयम बरतना जरूरी है। इस दिन पुरुष और स्त्रियों को यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या पर यौन संबंध बनाने से पैदा होने वाली संतान को आजीवन सुख नहीं मिलता है। छठा, अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होता है, लेकिन शनिवार के अलावा अन्य दिन पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसलिए पूजा करके पीपल के वृक्ष का स्पर्श ना करें, इससे धन की हानि होती है। सातवां, इस अमावस्या पर शराब और मांस इत्यादि से दूर रहें। सोमवती अमावस्या के दिन लहसुन प्याज जैसी तामसिक चीजें भी ना खाएं। आठवां, सोमवती अमावस्या के दिन सेव हेयर और नेल कटिंग ना करें, इन कामों को भी वर्जित किया गया है। शरीर पर तेल की मालिश करने से भी बचें। नवां, अमावस्या पर घर में पितरों की कृपा पाने के लिए घर में कलह का माहौल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़े और वाद विवाद से बचना चाहिए, इसलिए इस दिन कड़वे वचनों को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। दसवां, अगर सोमवती अमावस्या का व्रत है तो श्रृंगार करने से बचे, सादगी अपनाए। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे परिक्रमा करके सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। अगर आपको भी हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।